वरेदा साहित्य अकादमी अवार्ड मिले है और उपन्यासकार साहित्य अकादमी अवार्डी श्री सुरिंदर सिंह जी और इस प्रोग्राम च खास परौने के तौर पर विराजमान डोगरी के वरिष्ठ साहित्यकार चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया ने डोगरी दे श्री प्रकाश प्रेमी जी इस कविता के कवि श्री अजीत दसियाल जी ते हाल च मौजूद सबने बुद्धिजीवियों की राइटर्स की मेरा नमस्कार मंच को मैं इजाजत चाहूँ पेपर पढ़ने की अमृत वीर कौर की कविता के बारे च पंक्तियां ने कि कविता हृदय की भाषा है जो एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय तक पहुंचती है। कविता हृदय की भाषा है जो एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय तक पहुंचती है। इन्हें गए डोगरी के एक मशहूर गजलों को शायर होए ना उन्हें लिख हालांकि उन्हें ये गल जी है वो गज़ल के मामले लिखी दी है पर मैं इसी इतने कोट किया था क्योंकि इसी कविता के इस गल को इनकार नहीं किया जा सकता जे ये कविता पर स्टीक नहीं पाती हो। गज़ल के है अखरी च मना की खोदल है गज़ल के है अखरी च मना की खोदल है देन तक के औकात मेरी बंदा किस काबिल है अनकोट। इं प्रोफेसर ललित मंगोत्रा पासिया कविता के बारे च गलाए गए शब्द कोट आदमी के अंदर बसने वाली खूबसूरती या संगीत तो नृत्य राय बार प्रकट होती है अंदर बसने वाली खूबसूरती की कोई भाषा नहीं इस करिए संगीत तो नृत्य की खूबसूरती की भी कुसै भाषा के शब्दों कन्नै बयान नहीं किया जा सकता। लिखे जाने वाले साहित्य की जड़ी विधा संगीत तो नृत्य के सारे को नज़दीक है वह है कविता। इसलिए कविता की सुंदरता का बयान शब्दों कन्नै नहीं किया जा सकता। जेकर ऐसा मुमकिन होंदा तो गद्दे तो पदे च कोई फर्क नहीं होंदा बद कोला बद कविता के विचार पक्ष की कुसै हद तक शब्दों कन्नै बयान किया जा सकता है अनकोट। एक बड़ी देर दे अपनी मिठी सुरीली आवाज कन्नै लोकें दी मंत्रमुग्ध करदे आ रहे हैं और जिहड़ी इहदी शख्सियत जिहड़ी है वो अज साढ़े सामने इहदी किताबा राय खुलन और इस इहदी किताबा उप्पर जिहड़ा पेपर जिहड़ा डॉक्टर राधा राणी होने लिखे दा वो तुस सुनगे हो तो पता चली जाए कि इहदी लेखनी जिहड़ी है वो किन्नी शैल है। तो प्रोग्राम शुरू करने तो पहले मैं अपना जिहड़ा मंच जिहड़ा उसी सजाना चाहूँ कि मंच पर मैं साडा दिया करनी हाँ अज के जिन्हें प्रधानता करनी है प्रोफेसर दीना गुप्ता जी इन्हें भी इस बरे का साहित्य अकैडमी जरा पुरस्कार जरा वो मिले दा ते बड़ा स्वागत है मैम जी। जसियाल जी एक बहुत अच्छे गायक हैं गीतकार हैं और इन्होंने गाने लिखे भी हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में जब था तो इनसे एक मेरी मुलाकात हुई जिसमें ये गीत रिलीज़ कर रहे थे तब इनके दूसरे गीतों और बाकी जो इनका लिटरेचर है उसके बारे में पता चला तो तब मैंने इनको कहा कि आप अपने जितना भी आपका रीजनल लिटरेचर हमारा आपने इस इलाके के गीत इस इलाके पे जो गीत लिखे हैं कुछ जो आज की समस्याएँ हैं उन पर गीत लिखे हैं जैसे भ्रूण हत्या है उस पर इन्होंने उस चीज़ को उस टॉपिक को उन्होंने छेड़ा है तो ये एक बहुत ही अच्छे मंझे हुए सेंसिटिव जो हमारी आज की संस्कृति है उसको उजागर करने वाले गायक हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी गीतों की और कविताओं की अपनी किताब छाया की है डुग्गर दे नज़ारे और वाकई जो डुग्गर के हमारी जितनी भी संस्कृति और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर रियासी इलाके से लेके उन पहाड़ों के मंजर उन पहाड़ों की में बसे हुए लोगों के बारे में वहाँ के देवी देवताओं के बारे में इन्होंने लिखा है और आज इनकी बुक रिलीज़ हो रही है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी किताब जो है उसको आप सब जो है उसको पसंद करेंगे। सर मैं डोगरी च किताब लिखी दी है इस किताबा का सरलेख है डुग्गर दे नज़ारे और ये मैं काफ़ी चिर पहले 1998 कुछ मटीरियल लिखना शुरू किया हा इन बिटवीन कुछ मतलब रुकावट आई गई और उस बाद 2015 में दोबारा लिखना शुरू किया अज 2022 की मेरी ये पब्लिश होइए आई है हूँ अज ये रिलीजिंग है मतलब अज विमोचन होना इस किताब का नाँ डुग्गर दे नज़ारे मेरे में लिख दी है मैं अजीत जसियाल।
सर कि आखते जिन्ना अजकल लोग इतने डोगरी कोई प्रमोट नहीं करता मगर जिस तरह कताब लिखी डोगरे पर सर क्या आखिर सर डोगरी ऐसी गल नहीं है जे जो डोगरी पहले ही अज कोला 10 साल पहले अज वो नहीं है अज हर बंदा डोगरी आई साइड ज़्यादा है लेकिन फिर भी अस ये गल आखे आने वाली जी पीढ़ी है ना उसी मतलब जिनी हो सकती इसी पढ़ाओ इसी बुलाओ तो ये मतलब अगे डिवेलप तां गै होग एक टाइम ऐसा हा सर जिस वेला लोग आखदे हे हिंदी साड़ी दादी है तो डोगरी है मां दादी थार दादी है तो डोगरी माऊ थार मां लेकिन अज वो टाइम नहीं रेहदा अज अस ये आखिए चलने हिंदी साड़ी मासी है तो डोगरी है मां मासी थार मासी है तो माऊ थार मां कि ये दोवें बराबर होई गेदियां न इंदा कोई फर्क नहीं है ये साड़ी मात्र भाषा है मात्र भाषा इसी जिनी अस अगे करगे इन्नी ज़्यादा होग अते इहदे ने साड़ा भी सिर उच्चा होग अते इसी भी मतलब वह मिलू जम्मू वाले लोकें इये मैसेज है अगे जिन्नी हो सकती इसी मतलब डोगरी मतलब फैलाओ अगे फलानी फैलनी कियां है इसी कोई बोलूग इसी कोई पढ़ूग इसी कोई मतलब इस्तेमाल करूग।